दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो इस व्लॉग की शुरुआत ठीक वहीं से हो रही है जहां पर हमने पिछला व्लॉग खत्म करा था। फाइनली सौरभ सूरी वापस आ रहा है घर अपनी 4 दिन की वर्क ट्रिप के बाद, और मैं और अभी बहुत बहुत एक्साइटेड है। अभी क्या हुआ, हॉलीडे क्लब अभी थोड़ी देर में जाएंगे अभी को लेने। कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ऊपर लॉन्ड्री फैली पड़ी है, ठीक है। खाना अभी बनाना है, राजमा मैंने भिगो दिए थे, अब राजमा का मसाला तैयार करेंगे। फिर फटाफट से जाना है इंडियन मार्केट, वहां से कुछ चीजें उठानी है। फिर अबीर को पिक करना है और फिर घर वापस आना है, और घर वापस आके फटाफट से घर के काम खत्म करने हैं ताकि सौरभ सूरी के आने से पहले खाना वाना तैयार हो, घर वर एकदम सेट हो रखा हो। वैसे ना घर सेट ही रहता है, आप लोगों को लग रहा हो कि सौरभ भैया गए तो प्रीति दीदी ने कोई काम ही नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलो पहले फटाफट से बनाते हैं राजमा। तो मैं सुबह निकलते वक्त ना राजमा को सोक करके चली गई थी, तो अब कुकर बंद करके इसकी सीटियाँ वीटियाँ लगवाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अदरक और मोटी इलायची और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और इसको बंद करके अच्छी तरह इसकी सीटी लगवा लेते हैं और फिर इसका तड़का तैयार करके बनाएंगे आज राजमा। सब कुछ डल चुका है, आज मैंने सिनेमन स्टिक भी डाली है एक, तो मैंने कहा चलो वो भी डाल देते हैं, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, अदरक नमक सब कुछ डल गया है, हल्दी, हाँ हल्दी भी डाली है, मैं बताना भूल गई थी, मैं हल्दी भी डालती होती हूँ। तो बस ये 4-5 चीज़ें डाल के अब राजमा को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और फिर इसका करती हूँ तड़का तैयार। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, उसमें फटाफट से आधा नींबू स्क्वीज करा, तो पानी पी रही हूँ भाई, पानी का इनटेक बढ़ा दिया है दोबारा से, क्योंकि मैं पानी की बहुत बड़ी चोर हूँ, लेकिन ऐसे पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर नींबू है, तो बस ऐसे ही 2 बोतलें मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ टुडे, और अभी तक इंटरमीडियंट फास्टिंग भी ब्रेक नहीं हुई है। तो राजमा की अच्छी तरह सीटी आ गई थी, ये ना पानी सा बाहर आ जाता है ना कुकर के बाहर, मुझे इतना गंदा लगता है ना। एनीवे कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। तो देखते हैं हमारे राजमा हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। ओए होए भाई, राजमा को ना 1 सीटी और लगेगी, 1 सीटी और फिर ये हो जाएंगे। तो बस मैंने प्याज अदरक लहसुन इसके अंदर डाल लिया है, हरी मिर्च नहीं डाली अभी तक, डालती हूँ अभी, भूल गई थी डालना। प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च हो गई अच्छी तरह से, अब इसको डालेंगे तेल के अंदर। मैं ना जीरा और सौंफ और अजवाइन वो मैंने रोस्ट करके रखी हुई है, तो उसका मैं पाउडर जब एक बार मसाला पक रहा होगा ना तब डालूंगी इसके अंदर। तो बस प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्चें अच्छी तरह भुने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर चॉपर के अंदर काट के डाल दिए हैं, बस अब इनको भी फटाफट से कर लेंगे चॉप। चलो जी, टमाटर हो गए हैं चॉप, इनको डालेंगे। बस अब मैं इसके अंदर डालूंगी हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, धनिया पाउडर और राजमा मसाला, और वो सब डालने के बाद मैं ऊपर से डालूंगी वो जो मैंने आपको बोला ना, मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है जीरा, अजवाइन और सौंफ, उनको पीस के इसके अंदर डालूंगी। बस फिर हम मसाले को पकने देंगे और इसमें राजमा कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर मैंने अभी के लिए परांठा भी बनाना शुरू कर दिया है, उसके लिए परांठा बना के लेके जाऊँगी, भूखा होगा मेरा बच्चा। और यहाँ पर हमारा राजमा का मसाला हो रहा है, यहाँ पर 1 सीटी लग चुकी है राजमा को, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। तो गाड़ी तो मस्त है यार, मज़ा आ गया चलाकर। दिखने में छोटी है, वैसे इतनी छोटी है नहीं, ऑब्वियसली हमारी जो गाड़ी अभी हमारे पास है उससे तो छोटी है, तो मुझे ना बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। चलो जी, परांठा सब कुछ रख दिया है मैंने गाड़ी में, चलते हैं अब। भाई गर्मी ज़बरदस्त वाली हो चुकी है। मैं पहुँच गई हूँ अबीर को लेने उसके हॉलीडे क्लब, अबीर का रिएक्शन देखते हैं नई गाड़ी को देख के, नई गाड़ी मतलब वही रिप्लेसमेंट कार, तो विल बी हैप्पी। चलते हैं अंदर उसको लेके आते हैं। बेटा आपके ऊपर ही खाना क्यों गिरता है, मुझे एक बात बताओ। I got a nice lolly for Tuck. Hey? I got way more stuff. हाँ चलो, अभी आपके लिए एक सरप्राइज है, अब गेस करो कि हमारी गाड़ी कौन सी है। चलो, one is the 2 minis. I don't know. It's one of the 2. Daddy told me the mini. Which mini? Daddy told me, Daddy. It's the blue one. Yes, you're right. Did you get the blue one? Daddy told me it was a mini. Bro, that's so cool. Bro, that's so cool. ये कैसी बातें करता है यार ये। पता इसमें ना इस साल में बहुत चेंजेस आए हैं। Seriously. He's a countryman. Things
one they wanted. हाँ, wanted. बेटा replacement car है सिर्फ. चलो. आज आप अरे door नहीं खुला बेटा. मुझे ना ये खोलनी नहीं आती गाड़ी इतनी. एक मिनट रुको. आ गया. ऐसे खुल जाएगा. यार वो हमारी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक है ना, उसके डोर्स अपने आप खुल जाते हैं. उसमें बताइए मुझे मैनुअली खोलना पड़ रहा है. एनीवे आजो भी आजो आ जाओ. कह रहे हैं कि हमने आज लंच की ट्रे अपने ऊपर गिरा ली टी शर्ट के ऊपर. एक बात तो तुम ही क्यों गिराते हो पहले तो मुझे बात बता. मेरी एक्टिंग उतार रहा है. बहुत बहुत बुरी बात है. बहुत सब बच्चे. Is this manual? No, बेटा, it's automatic. That's why. I meant automatic. I'm driving. पता है सब बच्चे यही सीखेंगे तुमसे. तुम अपनी मम्मी का ऐसे मजाक उड़ा रहे हो. क्या या सॉरी बोलो. सॉरी बोलो अबीर. सॉरी. ओह माय गॉडनेस. ओह माय. डिड यू हियर दैट रंबल? ओह माय. है रंबल क्या मतलब? इट इज द इंजन नॉइज. अच्छा बेटा तेरी माँ ना पूरी देसी है. उस बेचारी को कुछ नहीं पता रंबल रंबल. कंट्रीज लाइक मोल्डोवा. दत्तात्रेय महाराज पागल ही हो गया. चलो खाना लेकर आई हूँ मैं. गाइस मैं इसको ना इस गाड़ी से बाहर निकालने वाली हूँ. शरारती हो रही है. नहीं लव यू तो ठीक है अभी थोड़ा सा तमीज. ये देखो मैं तुम्हारे लिए दो कैंडीज भी लाई हूँ. That's it. That's it's a joke, it's a joke, but thank you. और ये आज नहीं खानी है अभी. आज एक खानी है एक कल खानी है. चूज कर लो कौन सी खाओगे. अच्छा ये दे दो मुझे फिर. ये मैं कल दूंगी तुम्हें. मैंने आते साथ ही हैंड वॉश करे हैं और कुकर खोल के देखा है. राजमा बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से हो चुका है. वो सब राजमा को इसके अंदर मिक्स कर देते हैं. अब राजमा में मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है. तो एक दो बार बॉईल होने के बाद ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा. तो अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं. मैं शावर लेकर आ गई हूँ. बहुत गर्मी है बाहर. मैंने सब कुछ वो है. ओह माय गॉड. मैं पता मैं ऐसे बाहर आई. माय गॉड भाई मैंने सारा गार्डन फिला रखा है. आई एम सो सॉरी. साफ करा है. नहीं अभी साफ नहीं. पानी छिड़का यार. गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है. इनका तो प्यार है ना गाइस. पता मैंने सारी वार्डरोब्स वगैरह साफ करी ना कुछ निकाला है. वो दिख रहे हो वहाँ बैग्स जो पड़े हुए हैं ना उनके अंदर सारे चैरिटी के कपड़े हैं. चैरिटी के टॉयज हैं. या यू कैन. वेयर आर यू गोइंग. ये सारी गद्दियाँ मैंने साफ करी हैं. अभी इनको दोबारा से एक बार कपड़ा मारकर इन चेयर्स के ऊपर लगाऊंगी बिकॉज आने वाले एक हफ्ते में बहुत अच्छा वेदर है. बस दो मिनट में आटा गूंथ कर फिर रोटियाँ बनाने लगी हूँ. तो हमारे राजमा जो है वो बन चुके हैं और धनिया बनिया डाल दिया मैंने. दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं. मैंने टेस्ट भी करा है और वो सिनेमन स्टिक थी गाइस जो भी आई थी ना एक लंबी सी. सिनेमन स्टिक्स थी वो. एक चम्मच बस देसी घी डाल देती हूँ है ना उससे और भी मज़ेदार हो जाएंगे. मैंने अपने बालों पे तेल लगाया हुआ है. ऑनेस्टली गाइस आई एम वेरी वेरी लकी. बंदे ने आते साथ मेरे हाथ से सब चीज़ें ले ली हैं. कैसे हो भाई कैसे हो. छोटी और ट्रेन में बैठा तो ट्रेन भी डिले. एक फैमिली हग प्यारी सी. ओ छोटी पे आ गई. छोटी ने बहुत मिस करा तुझे बहुत. आज मैं सबको बता रही थी कि अबीर में कुछ दो तीन महीनों में बहुत चेंजेस नहीं आए हैं इसकी स्पीच में बात करने के तरीके में है ना. बहुत बड़ा हो गया और भी क्यूट हो गया. इसको पता हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना. वो होता नहीं था मम्मी पापा जब हमारे बारे में बात कर रहे थे हमारी तारीफ हो रही होती थी तो हमारे अंदर एक अलग ही वो होते थे. अब तो आप ऐसे बोलोगे ना बेटा जाके सूरज ले आओ ये सूरज भी ले आएंगे. इस टाइम तो आप कुछ भी बोलो. भाई हो गया भाई. बेटा हमारे जाने के बाद ये धरोहर तुमने ही संभालनी है. उसके अंदर लगाना है उसके. भाई कैसे हो. भाई कैसे हो बताओ. मैं अच्छा हूँ बट बेटर हो सकता हूँ इससे ज्यादा. अब मुझे खाना चाहिए घर का. राजमा बने हैं मटर पनीर बने हैं
और फुलके बने हैं और चावल बने हैं। कितना गुस्सा आया था जब मैं गुस्सा ही नहीं इतना जब खा रहा था ना बर्गर 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 तब आ गया। मैं जब मैं स्टोरी देखी ना वो पनीर मटर वाली पनीर मटर मैंने कल रात को बना दिया था तो इसको खिलाया था, मैंने नहीं खाया अभी तक, मैंने नहीं। ओ भाई बहुत सारा बनाया। अबीर अबीर डैडी को बताना हम कहाँ गए, हम डैडी की फेवरेट चीज लेने, क्या क्या लेकर आए हम। मैं अबीर तो खुद ही भूल गया। तुम लोग गए अबीर बूंदी, ईडन गए थे तुम बूंदी लेने। हाँ तुझे कैसे पता? अच्छा हमने कार्ड इसका यूज करा था ना गाइस इसको सब पता होता है। लगा तुम ट्रेन में मुझे लेने आने वाले हो उसके बाद। नहीं 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 यार, पर मैं अगर ट्रेन में लेने आती तो फिर मैं ट्रेन के आगे होती सच में यार। नहीं यार पता है वो ब्लॉग में बहुत टाइम लग गया था और फिर मॉर्निंग में वो BMW पे बहुत टाइम लगा यार। तूने तो उसके वो दांत भी इसके हो गए थे ना वो उसकी। हाँ तो इसके जो मिल्क टीथ है वो अभी तक गिरे नहीं है। ब्लेस यू बेटा। तो वो कह रही है जब तक मिल्क टीथ नहीं गिरेंगे तब तक हम ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। और मैं तुझे बताता हूँ इसको मिल्क टीथ वाली मेरी वाली प्रॉब्लम होगी। कहती कोई अरे कोई देर नहीं हुई तो मैं कहा अच्छा तो इसके क्लास में जिनके इनके लिए कोई देर ही नहीं होती। मैं कहा इसकी क्लास में बच्चों के जो ब्रेसेस लगे हुए हैं तो उनके सारे गिर गए। कह रही हाँ उनके गिर गए होंगे। मैं कहा तो इसके नहीं गिरे। कहती कहती 11 साल में लगाएंगे हम ब्रेसेस। लाइनर पूछती है ना। हाँ कहती बात कर सकते हैं लाइनर के बारे में। तो हाँ ऑर्थोडोंटिस्ट ज्यादा इस बच्चे को पता है मुझे लग रहा है मैं सिर्फ बैठने गई थी वहां पर बहुत बोलता है नहीं नहीं अच्छी बात है तुम्हें पता है। तो उसने इनके थोड़ी कमियां निकली हैं, ये ब्रश ढंग से नहीं करते हैं ठीक है। तो अब से इन्होंने ब्रश तो ढंग से करना शुरू करा तो मैं कर दूंगी। पता आज ये गिर गई है, सारी लाइटें गिर गई आज। पता नहीं आज तो ये सारी लाइटें है ना ये सारी गिर गई। और पता है ये अगर गिर जाती है ना फिर इतनी गंदी उलझती है। एक घंटा तो मेरा इसमें लगा है। मजा ही आ गया घर आके तो देख रहे हो राजमा क्या बात है दीदी सुनी धनिया कम हो गया। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे कि तुमने मेरे आने की खुशी में राजमा पनीर चावल रोटी सब बना के रखा हुआ है। भाई अब दिल चीर के नहीं दिखा सकते, प्यार तो हम बहुत करते हैं। तेरे बेटे ने तुझे बहुत मिस करा। मेरे बेटे डैडी एक पिक्चर मी एंड चीक्स रिमेंबर। यू एंड चीक्स आई थॉट दिस इज चीक्स लुक एट दिस। इसे ना मेरा वॉलपेपर लगा दिया ऐसे आप क्लिक करते रहते हो ये मशीन। आई ब्लो मम्मीज टू है ना। दिस यू नो माय फेवरेट इज ओह लुक एट दिस वन। या दिस इज वेरी स्मार्ट एंड दिस वन दिस इज माय फेवरेट चंकी दिस इज माय फेवरेट। तो खाना लग चुका है, मटर पनीर की सब्जी, रायता, राजमा, ये सब कुछ अबीर का फेवरेट है पता है। और डैडी का तो है ही है, अबीर का भी फेवरेट है चावल सैलेड। सौरभ बोली आप ऋषि की मम्मी वाला अचार लिया है आम का, तो यार आम का अचार बहुत स्वाद है ऋषि की मम्मी ने डाला है। थैंक यू आंटी अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो, आपका आम का अचार वाकई में बहुत बहुत स्वाद है। यार आपने जार नहीं देखना, जार पे धनिया पाउडर लिखा है लेकिन अंदर आम का अचार है। पता है उर्वशी ने भर के दिया था हमें ये, तो एक हफ्ता पहले हम लेकर आए हैं। देखो हमने पूरा जार खत्म कर दिया। आंटी बहुत स्वाद था आम का अचार, थैंक यू सो मच। खाना और ब्लॉग नहीं बनाया हमने लेकिन खाना बहुत खाया भाई। मतलब कि वो कहते हैं ना पेट, पेट भर गया लेकिन नियत नहीं भरी है। मेरी मम्मी कहते हैं तो आंखों पे बांध लो। और दोस्तों अभी तो हमने आपको ये भी नहीं बताया कि हम छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं। दिल खुश कर देंगे इस बार, हम आपका दिल खुश कर देंगे बता के। आप लोग ऐसा हो जाओगे नहीं नहीं कोई क्लू नहीं देता। तुम्हारा क्लू नहीं होता तुम्हारा दूसरा कि बिग बिग क्ले बाबू उनके नाम से बिग क्ले भाई दिस इज बिग क्ले बाबू क्यों वन क्ले नहीं बता देंगे आपको हम नेक्स्ट वीक बताते हैं पक्का। नेक्स्ट वीक बताना ही पड़ेगा। मुझे वीजा का ना मैसेज नहीं भेजा। हाँ भाई भी हॉय अभी नहीं भेजा कृष्ण भाई का खाना का वीजा सब चलो वीजा देखना है। वो वीजा अडवाणी का वीजा। चलो गाइस मिलते हैं। वी आर गोइंग टू क्लू हो गया ना उनके लिए। अब क्लू हो गया ना उनके लिए वीजा। रोटी खाओ जरा शाम को चल डालियो थोड़ा और किसको दूं मुझे ही देगा। तो फाइनली सारी किचन साफ करके ऑर्गेनाइज करके अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं सोने। सौरभ ने सारा काम करवाया पता मेरे साथ। आप लोगों ने कहा था इंस्टाग्राम पे बड़े सारे मैसेज आए थे आज भैया से
डिश वॉशर मत लगवाना, लेकिन भैया ने, आपको लगता है आपके भैया मानेंगे, उसको लगता है कि उससे अच्छा डिश वॉशर कोई नहीं लगा सकता, और वाकई में उससे अच्छा डिश वॉशर कोई लगा भी नहीं सकता है। तो बस अब मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और कॉफ़ी लेके जा रही हूँ ऊपर, और आपको ना एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। कॉफ़ी रेडी हो गई है और ये देखो आप, ड्राई केक, ब्रिटानिया का ड्राई केक। पता है जब मैं इंडिया में होती थी ना, मैं ये बहुत खाती थी, तब इसका नाम ना ड्राई केक नहीं होता था, कुछ और होता था, लेकिन आज मेरे को इंडियन शॉप पे दिखाई दिया तो मैंने कहा यार ये तो घर लेके जाना ही जाना है। और यहाँ पर ये आता है 79p का, बताना यार अगर आपने कभी ये खाया तो। नहीं यार, नहीं 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 नहीं, अच्छा तब भी इस पर टोस्टी लिखा हुआ था, मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था, छोड़ो यार। आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे लगा वो केक नहीं होता है, प्लेन केक क्या बोलते थे यार, ब्रिटानिया का केक होता है, मुझे याद नहीं आ रहा यार। मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, पता मैंने ना वैसे पढ़ा था टोस्टी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये तो टोस्टी ऐसे ही लिखा होगा, मतलब होगा तो केक ही अंदर, क्या क्या होगा इसका।